हेलो, वेलकम टू अरविंद सिंह एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, आई होप सो। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोल्ट्री फार्मिंग। वी आर डिस्कसिंग इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। आई होप यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड पार्ट 1 टू पार्ट 8 बिफोर वॉचिंग पार्ट 9। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोल्ट्री फार्मिंग। व्हाट इज पोल्ट्री फार्मिंग? सो लेट मी डिस्कस हियर पोल्ट्री फार्मिंग। Poultry farming is what? It is the activity. Poultry farming is an activity of rearing fowl for the purpose of production of eggs and chicken meat, right? So this is a poultry farming. And for this purpose of production of eggs, we have developed improved breed of layers for eggs and broilers for meat production, right? So this is what poultry farming. I hope you got it. What is the purpose of poultry farming? So let me discuss the purpose of poultry farming is what? What is the purpose? Purpose of poultry farming. So the purpose is first to supply alternate food resources, right now. Second, to supply proteins enriched food, right? ये purpose है। अब ये दो purpose है कि हम ये food sources, alternate food sources develop कर सकें और ये काम कर सके। इसके लिए क्या किया हमने? इसके लिए हमने क्या किया? What the activity presently till done now? ये क्या हमने cross breeding कराई? We have developed, जैसा कि पीछे हमने बताया कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है, एक इंडियन और एक फॉरेन, दो तरह की पोल्ट्री होती है, फॉल है, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई है। और क्रॉस ब्रीडिंग कराने से क्या निकला कि एक नया तरह का निकल गया, ऐसा क्रॉस वैरायटी निकला, एक ऐसी ब्रीड निकल गई जो हमारे इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से सूट करता है, उसको टेम्परेचर बर्दाश्त करने की एबिलिटी भी है और वो अच्छा से जो है चिकन प्रोडक्शन के लिए और एक प्रोडक्शन के लिए अलग अलग वैरायटी डेवलप की गई है। सो आइए उस पर थोड़ी बात करते हैं। फॉर दिस पर्पस क्रॉस ब्रीडिंग इज डन सक्सेसफुली between Indian or indigenous Asil variety है, Asil, and foreign or exotic
लेगहॉर्न ये वैरायटी है फॉरेन की, इन दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई. सो फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डिड, वी हैव डन सक्सेसफुली क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन एंड फॉरेन वैरायटी. टू डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रीड्स हैज क्रॉस्ड सक्सेसफुली. So why this crossbreed takes place? The purpose is, what is the purpose in which crossbreed takes place? So purpose of getting this egg and chicken, this is the thing. But the quality of egg and quality of chicken should be high. This type of, this is the egg quality and chicken quality. So purpose of breeding is to get desirable traits among the chickens, among the fowls, so that they can supply us the desired quality of eggs and chickens. So the purpose, the crossbreed is done for the purpose of producing poultry for desired traits, right, which includes what? First, quality and quantity of chicken. Quality and quantity of chicken is better. Quantity is better. And second, dwarf broiler parent chicken. Broiler parent or parents for commercial chick production. Commercial chicken production. Chicken production. Right. The third purpose is low maintenance cost. Cost, and fourth one is tolerance of high temperature, that is summer adaptation. ये होना चाहिए. एंड लास्टली वी कैन से वन मोर थिंग दैट दे कैन हैव रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड्स with ability to utilize more fibrous diets formulated by agricultural byproduct. तो इस तरह से ये जो है हम लोग डेवलप कर पाते हैं. और इस तरीके का ये फार्मिंग होती है जिसमें प्रॉपर केयर होता है इन सारे चिकन्स का,
इन सारे फॉल्स का, और इनकी प्रॉपर केयर करने के बाद इनको प्रॉपर डाइट दिया जाता है, एनरिच डाइट दिया जाता है ताकि इनकी ग्रोथ जल्दी हो। अगर इनकी ग्रोथ जल्दी होगी तो ये ज्यादा तेजी से इनकी प्रोडक्शन हो पाएगी। इसके लिए इनको एनरिच सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट दिया जाता है, और एनरिच फूड सप्लीमेंट देने से क्या होता है, इनकी ग्रोथ जो होती है वो तेजी से होती है और प्रॉपर ग्रोथ होती है, इनकी प्रॉपर केयर भी होती है। तो इन सब चीजों को जो ये आप पोल्ट्री का फार्मिंग का एक फार्म का ये सीन देख रहे हैं इस तरीके का, इसमें ये रखा हुआ है, इनके बीच में प्रॉपर स्पेस भी है, प्रॉपर क्लीनिंग भी है, ये फूड आइटम्स इसके नीचे रखे हुए हैं। लेकिन उन फूड के खाने के साथ ही अब इनको कोई ऐसी चीज तो खिलाने के लिए, फीड करने के लिए कोई प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है, इसी में रहता है और इसी में इनका वेस्ट प्रोडक्ट भी रहता है। इसलिए इसको प्रॉपर टाइम टू टाइम साफ भी किया जाता है, स्प्रे किया जाता है केमिकल का, ताकि इनको बीमारी ना हो, क्योंकि इनके जो एक्सक्रेटरी सब सिस्टम है वो भी यहीं पे है, और इसके लिए कोई प्रॉपर इनके लिए मैनेजमेंट सिस्टम नहीं बना हुआ है कि कोई बात वगैरह हो। तो ये खाने और इनपुट और आउटपुट दोनों जो है वो एक ही जगह पे दे रहे हैं, इसलिए इनको प्रॉपर केयर किया जाता है ताकि इसमें किसी तरह की बीमारियां ना फैले। तो सबसे पहले अब हम ये बात करना चाहेंगे कि एग और ब्रॉयलर प्रोडक्शन की क्या खास बातें हैं। तो आइए बात करते हैं ब्रॉयलर प्रोडक्शन और एग प्रोडक्शन एंड एग प्रोडक्शन, राइट राइट। सो एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, एग एंड एग्स एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन, राइट, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। सो ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर चिकन आर फेड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड टू गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी, राइट। ऑल्सो केयर इज टेकन टू अवॉइड मोर्टालिटी, राइट ना, यानी जो मरने की दर है, मोर्टालिटी रेट जो होती है, बहुत ज्यादा लॉस ना हो, इसके लिए केयर रखा जाता है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं इसमें कि ये जो एग और ये जो ब्रॉयलर का प्रोडक्शन होता है ये किस चिकन पर्पस से है, ये सिर्फ इसके चिकन के लिए ही इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ये कुछ हैं जो जिसको सिर्फ हम क्या करते हैं, एग प्रोडक्शन के लिए। तो इनकी क्या क्वालिटी होती है और इनको किस तरह से प्रोडक्शन किया जाता है, इसके क्या एडवांटेजेस है, ये सारी बातें करेंगे। द डेली फूड रिक्वायरमेंट फॉर ब्रॉयलर आर protein rich with adequate fat. That's now the level of vitamin A and K, विटामिन ए एंड विटामिन के, विटामिन ए एंड विटामिन के केप्ट हाई, विटामिन के केप्ट हाई, केप्ट विटामिन के
kept high in poultry diet. Poultry diets, right? Now let us discuss about the maintenance of shelter. Maintenance of shelter. Shelter. Maintenance of shelter. Shelter. क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए maintenance? Proper cleaning and sanitation. And sanitation होना चाहिए. दूसरा क्या होना चाहिए? Proper maintenance of temperature. Proper maintenance of temperature and soft temperature होना चाहिए. स्पेसेस होना चाहिए, स्पेसेस राइट होना चाहिए. और क्या होना चाहिए? सो दैट दे कैन मूव, स्पेसेस सो दैट दे कैन मूव इजिली. स्पेसेस शुड बी देयर सो दैट मूव कैन बी इजिली. एंड नेक्स्ट प्रॉपर वेंटिलेशन भी होना चाहिए. प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट वी कैन यू डिस्कस अबाउट देयर पोल्ट्री डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन. पोल्ट्री डिजीजेज एंड देयर प्रिवेंशन. Prevention. Poultry diseases and their prevention. अब ये डिजीज कई तरह के हो सकते हैं, कई सारे causes हो सकते हैं. डिजीज ड्यू टू वायरस, ड्यू टू बैक्टीरिया, ड्यू टू इंटरनल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी एज वेल. सो बेसिकली द डिजीज कैन बी कैटेगराइज मेनली इन टू टाइप. वन, द डिजीज can be categorized in two type. One, due to this type of virus and bacteria etc., that is protozoa, parasites, all this. And the other type of disease is due to deficiency of nutrients. deficiency of nutrition. तो ये वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं, राइट? कौन कौन सी डिजीज होती हैं, उनकी क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं. डिजीज कॉज ऑफ वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इंटरनल पैरासाइट्स, एक्सटर्नल पैरासाइट्स, फंजाई, दीज आर ऑल. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. So diseases due to virus and bacteria are, so causing agent or pathogen are, pathogen that is causing agents are, and what type of diseases that we need to discuss here. So first one is the causing agents. You know what are they? They are virus, bacteria, fungi and parasites. So virus की वजह से जो होता है वो फॉल पॉक्स होती है चिकन में. एक बीमारी है फॉल पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स आदमी में होता है वैसे ही फॉल पॉक्स होता है. बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती है? डायरिया होगा, डायरिया, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस,
tuberculosis. Let me write this correctly. Tuberculosis. Tuberculosis. Tuberculosis होता है एंड ये सब बीमारी बैक्टीरिया की वजह से होती है. फंजाई की वजह से क्या होता है? फंजाई की वजह से एस्परजिलोसिस होता है. एस्परजिलोसिस होता है ये बीमारी होती है. और पैरासाइट्स की वजह से क्या क्या बीमारियां होती है? स्कैराडिस एंड कैपिलेरिया होती है इसके वजह से. सो ये आप समझ सकते हैं. स्कैराडिस एंड कैपिलेरिया. कैपिलेरिया तो दीज आर द डिजीजेज. हाउ वी कैन प्रिवेंट? सो प्रिवेंशन शुड बी प्रिवेंशन. व्हाट शुड बी द प्रिवेंशन? फर्स्ट prevention can be maintained that proper supply of nutrition hona chahiye so that we can prevent the nutritional diseases. And the second, proper spray of disinfection right hona chahiye. Tisra, Vaccination should be in time. Vaccination होना चाहिए, proper vaccination होनी चाहिए. चौथी क्या होनी चाहिए? And proper cleaning and sanitation should also prevent the diseases, you know. So these are the few things which we can take care and by which we can prevent. Proper spray of disinfectants that should be there. And vaccination should be in time. Proper cleaning and sanitation should be there. If you do all these things and if anyone can do this all, then they can prevent the diseases in poultry. So this is all about this lecture in which we had discussed about the poultry farming and what are the proper care and how we can prevent from the diseases and all. So in next lecture we will discuss about the fish production and beekeeping. So that will be the last lecture and hopefully you will get it very soon. So thank you very much. God bless.